नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा सिंह। पीएम मोदी आज सहकारी क्षेत्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। अनाज भंडार योजना के पायलट प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। काशी में पीएम मोदी का राहुल पर निशाना, बोले उनके खुद के होश ठिकाने नहीं, यूपी के बच्चों को नशेड़ी बता रहे हैं। बीजेपी पर ईडी सीबीआई के जरिए चंदा वसूलने का आरोप, कांग्रेस ने कहा 30 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, इनसे 335 करोड़ चंदा मिला। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन आज से, मनोज जरांगे ओबीसी कोटा से ही आरक्षण लेने पर अड़े, कहा यह सरकार अंग्रेजों से भी बुरी। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, सरकार बोली यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम, इससे बाल विवाह रुकेंगे। शानदेश खाली भीड़ ने टीएमसी नेता को पीटा, घर में की तोड़फोड़, महिलाओं के शोषण का आरोपी शाहजहां 55 दिनों से फरार, 100 केस दर्ज। हरियाणा बजट पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, पूर्व सीएम हुड्डा ने कटौती के आंकड़े जारी किए, बोले प्रदेश के लोगों के लिए झटका। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक टला, हरियाणा में पुलिस चौकी पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, 40 घायल। कर्नाटक सीएम, डिप्टी सीएम और राहुल गांधी को समन, 40% कमीशन वाले बयान के खिलाफ मामला, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश। कश्मीरी पत्रकार लंदन में बोली झूठ न फैलाए पाकिस्तान, कहा मैं मलाला नहीं, मुझे आतंकियों से बचने के लिए भारत से भागना नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्रालय बोला यूक्रेन जंग से दूर रहे भारतीय, कहा रूस में फंसे लोगों को छुड़ाने की कोशिश जारी, एजेंट्स ने धोखे से आर्मी ज्वाइन कराई। अमेरिकी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर तिरछा गिरा है, साइंटिस्ट डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे, कल हुई थी लैंडिंग। आप कांग्रेस में लोकसभा सीट शेयरिंग तय, दिल्ली में 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी, गुजरात हरियाणा चंडीगढ़ में बंटवारा हुआ। पीएम ने जनता को दी मोदी की गारंटी, काशी से दिया मोदी 3.0 का संदेश, किसान युवा महिला कामगारों पर रहेगा फोकस। पीएम मोदी ने काशी से हरियाणा पंजाब के 1 करोड़ वोटर्स को साधा, इंडी गठबंधन को बताया दलित विरोधी, गैर जाटो संघ लोकसभा की तैयारी। जेएसएससी पेपर लीक मामले में भागलपुर नवादा से गिरफ्तारी, दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 1.5 करोड़, अब तक 5 आरएस एसआईटी के हाथ अब भी खाली। जेडीयू कार्यालय का एक्सटेंशन होगा, सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआयना, खाली जगह पर सेट बनाने का दिया निर्देश, संत रविदास के जयंती कार्यक्रम में भी हुए शामिल। सेंट्रल बैंक में ग्रेजुएट्स की 3000 वैकेंसी, यूपी एसएससी में 40 साल तक के कैंडिडेट्स की भर्ती निकली। 2036 ओलंपिक में एथलेटिक्स से सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा भारत, एएफआई प्रेसिडेंट बोले टैलेंट सर्च के बाद फॉरेन कोर्स से ट्रेनिंग, 200 सेंटर बनाएंगे। यामी स्टारर आर्टिकल 370 पहले दिन कमाए 5.75 करोड़, विद्युत की क्रैप को मिली 4 करोड़ की ओपनिंग। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।